तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आज हम इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का टेक्निकल और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में क्या अंतर है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो बनाया, उसको जब एडिट कर रहे हैं तो उसकी अगर बैकग्राउंड में आपने कोई एल्बम का म्यूजिक या तो फिर सिनेमा का म्यूजिक आप यूज कर रहे हैं, तो उस वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, क्योंकि उस म्यूजिक के हकदार आप नहीं हैं। उस म्यूजिक का हकदार वो है जो उस म्यूजिक को बनाया, उसके पास क्या होता है, लाइसेंस होता है उस म्यूजिक का। तो आप अगर इस प्रकार का अगर म्यूजिक यूज कर रहे हैं, किसी के एल्बम का या किसी फिल्म के गाने का म्यूजिक आप यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार के यदि आप म्यूजिक यूज करेंगे तो आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके बारे में भी हम अभी क्लियरली आपको बताएंगे। कॉपीराइट इससे क्या होगा कि जिस भी वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आया है, तो उस वीडियो का जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी अर्निंग होगा, वो सारा अर्निंग चला जाएगा उस कंपनी को जिस कंपनी के आपने म्यूजिक को यूज किया है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, आपका चैनल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप इसको हटा भी सकते हैं, वहीं से डायरेक्टली आप कॉपीराइट जो क्लेम आया जिस वीडियो पे, उसी वीडियो पे क्लिक करके आप उसको वहीं से चेंज कर सकते हैं, और फ्री वाला कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आप उसमें लगा सकते हैं। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको गूगल बहुत दे रहा है, बहुत सारा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपने बैकग्राउंड में लगाइए। आप किसी के एल्बम या सिनेमे के म्यूजिक को मत लगाइए, नहीं तो आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, और कॉपीराइट क्लेम आने से आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि उस वीडियो पर जितना भी रेवेन्यू होगा, अर्निंग होगा, वो सारा अर्निंग उस कंपनी को चला जाएगा जिस कंपनी के आपने म्यूजिक को यूज किया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए आता है कि यदि आप किसी के थंबनेल को यूज करते हैं, या तो फिर उसके फोटो को यूज करते हैं, उसके इमेजेस को यूज करते हैं, या तो फिर उसके वीडियो को यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो ऐसी काम मत करें, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर एक बार आ गया आपके चैनल पर तो वो 90 डेज तक रहेगा, 90 डेज के बाद ही वो उसको रिमूव करता है, गूगल उसको रिमूव करता है। अगर 90 डेज के अंदर आपके चैनल पर 2 से 3 अगर स्ट्राइक आ गए, 2 से 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो इस कंडीशन में आपका चैनल टर्मिनेट भी कर सकता है। तो आप इन गलतियों को मत करें, किसी के थंबनेल या फिर उसके वीडियो को कॉपी करके आपने वीडियो में मत यूज करें। हाँ, थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं, आपके अगर किसी के म्यूजिक का ही यूज करना है तो 30 सेकंड से नीचे का उसके म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, 30 सेकंड से नीचे में आपका कोई कॉपीराइट क्लेम ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। लेकिन 30 सेकंड से जैसे ही ऊपर का आप म्यूजिक या कुछ भी यूज करते हैं, तो उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो कॉपीराइट क्लेम अगर आपके चैनल पे अगर 100 भी कॉपीराइट क्लेम है, तो उसे आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बस ये होगा कि जिस भी वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया है, उसका सारा रेवेन्यू उस कंपनी को चला जाएगा। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर आ गया है, तो एक बार आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, तो वो आपके चैनल पर 90 डेज तक रहेगा। अगर 90 डेज के अंदर अगर 2-3 स्ट्राइक अगर लगातार आ रहा है आपके चैनल पर, तो आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों से बच के रहें। और एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, जानबूझ के आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, उसका ना ही आपने वीडियो यूज किया है, ना ही थंबनेल यूज किया, फिर भी आपको क्या कर देंगे कि वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको YouTube को काउंटर मेल करना होगा। आप काउंटर मेल कीजिए और वो चेक करेगा फिर से आपकी वीडियो को, आपके चैनल को फिर से चेक करेगा, उसके बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक को 7 दिन के अंदर रिमूव कर देगा। तो इस प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या अंतर होता है। कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ जाता है 2 से 3, तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और आप अपने चैनल पर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से बच के रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके चैनल पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। तो इसके लिए आपको तुरंत जो है यूट्यूब को काउंटर मेल करना होगा, और उसको बोलिए कि ये मेरे चैनल को रिव्यू करेगा। तो जैसे ही रिव्यू करके आपके जो है कॉपीराइट जो स्ट्राइक जो मारा है, 7 दिन में आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर गूगल आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है, तो आपका जो है 90 डेज तक रहेगा। गूगल इसलिए मारता है कि आपने किसी के वीडियो को या तो फिर उसके थंबनेल को यूज़ कर लेंगे, तो वो गूगल आपके कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। वो कंपनी वाला मारते हैं, कंपनी वाला गूगल को मेल करते हैं, और गूगल क्या करता है, आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देता है। तो इस प्रकार का जो है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।